28 मई को पहलवानों के साथ जो हुआ उस पर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भड़क गईं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने और पहलवानों को हिरासत लेने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि यह देखकर बहुत दुख हुआ कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों और उनके परिवारों के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। एक महीने पहले एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने सांसद शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। एक नाबालिग लड़की द्वारा आरोपी सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बावजूद दिल्ली पुलिस आज तक उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जिस वजह से महिला पहलवानों को जंतर मंतर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है जो पिछले एक महीने से जारी था। दिल्ली में हर दिन यौन उत्पीड़न के लगभग 6 मामले सामने आते हैं और हर एक मामले में दिल्ली पुलिस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। फिर ब्रजभूषण सिंह को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये घोर अन्याय नहीं तो और क्या है? आपको बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को दिल्ली पुलिस ने रविवार को सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद हिरासत में लिया था। इसके बाद जंतर मंतर से उनका सामान भी उखड़वा दिया गया। हालांकि महिला पहलवानों को शाम तक छोड़ दिया गया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस प्रदर्शन से निकल कर आई उससे केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की आलोचना हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।